नमस्कार अर्गस अपडेट सहित मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रु। गत तीन मास रे राज्य को कम सार मिलिथिबा नै केन्द्र सार और रसायन मंत्री को मुख्यमंत्री को चिट्ठी। केन्द्र रो तथ्य ओडिसा रे उपलब्ध अछि पर्याप्त सार, राज्य रे चालिछि सार रो कला बजारी, रास्ता रे चासिंग को प्रतिवाद जारी। आईएएस एवं आईएएस परीक्षा रे ओडिया छात्र प्रभात दास को सफलता, ट्वीट करी शुभेच्छा जणाइले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रभात को सफलता ओडिसा रो युवपीढ़ी को प्रेरणा जोगाइबो बोली कहिसंती धर्मेंद्र। गुणिगारेडी संध्यारे तुम्बल कांड, पारला खेमुंडी सुभाष नगर अभावी अघटना, घरे पशिले लोक को निर्धु माड़ मार भांगे आसवावपत्र। राज्य में पुणी 68 जीवन नेला कोरोना, अनुगुलू सर्वाधिक 8 मृत। सेपटे 24 घंटे 1578 नुआ पॉजिटिव चिन्हट, खोर्धार 436, कटकु 212 आक्रांत। राज्य में एवं भी 16384 आक्टिव केस। आज आसिबो राज्य सरकार को कोरोना गाइडलाइन, अपराह्नरे घोषणा करिबे एसआरसी। अगस्ट मासरे संपूर्ण अनलॉक होइ न पारे ओडिसा, कोरोना स्थिति देखि डीएमईटी को आकलन। राजेंद्र विश्वविद्यालय को नहीं तुटिला विवाद, विश्वविद्यालय मान्यता देला यूजीसी, ट्वीट करी सूचना देले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आवश्यक तथ्य प्रदान कले खूब शीघ्र मिल केंद्रीय अनुदान। प्रकाश पाइला सीबीएसई द्वादश रिजल्ट, मन खराब नक अभिज्ञतार शिखि सफलतार नुआ गगन छुवा को ट्वीट करी कहले मोदी। शुभेच्छा जणाइले धर्मेंद्र। चलित वर्ष पास थार 99.37%, पुओ को पछे पकाई बाजी मारे झील। एवं टोकियो ओलंपिक्स रे भारतर दमदार प्रदर्शन, डिक थ्रो रे चमकिले कमलप्रीत कौर, धमाकादार विजय सह फाइनाल रे प्रवेश। गत तीन मास रे राज्य को कम सार मिलिथिबा नै केन्द्र सार रसायन मंत्री को मुख्यमंत्री को चिट्ठी प्रसंग रे उत्तर रखिछि केन्द्र। ओडिसा को चाष क्षेत्र हेउ किंबा सार उपलब्धता दिगरे सर्वदा प्राधान्य दिया जाइछि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नेतृत्व रे ओडिसा को चाष क्षेत्र को सबु बेले गुरुत्व दे आसुछन्ते। गत तीन वर्ष को अनुमेय कले ओडिसा को धार्य आवंटित सार परिमाण थारु अधिक सार जोगाइ दिया जाउछि। तेणु ओडिशा सरकार राज्य को धार्य आवंटित परिमाण सार ठारु कम सार दि जा केन्द्र को जो पत्र लिखिंट ताहा संपूर्ण भित्तिहीन। एकपक्षिया भावे सारर उपलब्धि नहीं राज्य सरकार जो प्रसंग उठाई चाषी को पाई कुंभीर कांदणा कांदुंट केवल लोक देखाणिया। केन्द्र सार विभाग पक्षर यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीकेएस सारर पर्याप्त परिमाण उपलब्ध थिबा स्पष्ट करा जायछि। केन्द्र सरकार को सार विभाग द्वारा मध्य एहा स्पष्ट करा जायछि जे तथ्य आधार रे आवश्यकता ठारु राज्य पाखरे अधिक सार उपलब्ध रहिछि। तेणु राज्य सरकार केन्द्र उपरे आक्षेप न करी एकपक्षिया नुहे तथ्यर सठिक अनुध्यान करन्तु। तार गवर्नमेंट रेट अनुसार बिक्री ना हेबार 350-400 टंका बिक्री होउछे, किंतु इ टाइम ने जदि एतकी रेट ने जदि बिक्री हेबा बोले ठीक टाइम के बोलवा के माने मुश्किल है जीवा, माने यूरिया सार रो माने महंगा है जीवा आ रेट बहुत बढ़ी जीवो। अत्यारु अत्यारे ने बिकु छन जने के हम आमर गांव अंचल ने 450 रु 500 टका तक भी यूरिया बिक्री हो छे। आउ इटा जे गला वर्ष सार सरकार पुरे नै पाले हेति लागि ही आजकाय परिस्थिति सृष्टि होइ छे। आ जदि आके एंदा परिस्थिति आइ रहवा तो निश्चित हबे सार अतका आउ रेट ने अतका बिक्री हबा आउ चासी कोलाबाजी रो शिकार हबे। जेतेले भी आमे गोदाम के जाउ से कहछन आमे दैछु लैंप के लैंप वाले कहछन जे सरी गला, किंतु देखु छु जे
ଆମର ବେପାରୀମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରୁ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଉଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ। ଆଉ ଯେତିକି ଆମର କୃଷି ପ୍ରଧାନ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତାର ବି ଦାମ ଡବଲ ବିକା ହେଉଛେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ କୁଚିଣ୍ଡାଟା ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମରଣ ନୀତି ହେଉଛି। ୟୁପିଏସ୍ସି ଆଇଇଏସ୍ ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ 2020 ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ସଫଳତା। ପ୍ରଭାତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ପାଇଥିବା ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭା ଦାସ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପିଏଚ୍ଡି ଛାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଘର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏହି ସଫଳତାର ଖବର ସେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ, ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସୁବାସ ନଗରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଘରେ ପଶି ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆସବାବପତ୍ର। ଆଜିକା ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଲୋକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡିର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସୁବାସ ନଗରରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୁବାସ ନଗରର ଜଣେ ନାବାଳିକା ନମିତା, ବୟସ ନମିତା, ଯିଏକି 15 ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନମିତା ରାଜାରାଓ ନାଗବଂଶ ଘର ଆଗକୁ ଯାଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ପରେ ସାହି ଲୋକ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଧ କରି ରାଜାରାଓଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଘରର ବାସନପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଆଜିକା ସମାଜରେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଏବେ ବି ଲୋକେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଠାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପ୍ରାୟ ସେ ଯୋଉ ନାବାଳିକା ଯୋଉ ଛୋଟ ଝିଅଟା ଅଛି ନାଗବଂଶଙ୍କ ଘର ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସଦରମୁଖ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯୋଉ ନାଗବଂଶ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ପାଟି କରିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ନାବାଳିକାର 15 ବର୍ଷ ଯୋଉ ନାବାଳିକାର ଝିଅର ବାପା ଆଉ ମା ଆଉ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ବୋଧେ ସନ୍ଦେହ କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଅଟୋ ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍କୁଟି ଥିଲା ସେ ସ୍କୁଟିକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ବହୁତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ପତି, ଆଇଆଇସି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ତେବେ ଆମେ କିଛି ଭିଜୁଆଲରେ କିଛି ଅଲଗା ଦେଖୁଛୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉଥିରେ କି ଜଣେ ଯୁବତୀ ବସିଛନ୍ତି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ, ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଯୁବତୀ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ସେଇ ଯାହାଙ୍କ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା ସିଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯଦି ସେ ନିଜେ ହେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳଖାଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନମିତାକୁ ଯୋଉ ଝିଅର ଦୃଶ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ଝିଅ ହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳଖାଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଝିଅ ଯାଇ ସେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପାଟି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଏ ବାବଦରେ ତମାମ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 68 ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1578 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 915 ଜଣ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ 663 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 436 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳରୁ କଟକରୁ 212, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 113, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 78, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 29 ଓ ଷ୍ଟେଟପୁରରୁ 92 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 977,268 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 954,938 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 16,384 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି।
तेज आज अगस्ट मस घोषणा हो गाइडलाइन तेज वर्तमान संपूर्ण अलंक हेबनी ओडिशा कटक भुवनेश्वर कोरोना स्थिति स्थिर रही आगु 500 रोला पॉजिटिविटी संख्या एवं 400 रोची पॉजिटिव संख्या तेणु संपूर्ण अनलॉक हेबनी राज्य बोली डीएमईटी सीबीके महांती अनेपटे केस लोड कमी वर्तमान आम अनलॉक ट्राक कहते स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र तेज मल खोल पूर्व डबल डोज नहीं लोक को प्रवेश अनुमति दि जाऊपरी मल भितर फुड कोर्ट बंद रखापी नाइट कर्फ्यू बलबत्तर रहा दरकार दोकान बजार 5 पर्यंत खोल अनुमति बलबत्तर रहु जीवन जीविका दृष्टि सप्ताहांत सटडाउन को उठाई दि जाऊ स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र कटक भुवनेश्वर पर सरकार को 3-4 दिग उपरे अधिक गुरुत्व देवा पड़ो बोली से कहते दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर रिपोर्टर आम सहित बाबद आलोचना फोनलाइन जगे जोड़े दिव्या पूरा राज्यवासी नजर रही अनलॉक केमिति हम अर्थात दीर्घ दिन धरी समस्त अनलॉक रे लॉकडाउन मध्य रहिबाकु पड़ुछि काहेकि ना आपण जानिथिबे कैटेगरी ए कैटेगरी बी दुईटी भाग में विभक्त कर आज वास्तविक कौन निष्पत्ति आसीपे कहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते जोटी 5% तलकु संक्रमण खसुनी सेठारे कटकणा पूर्व भली रहिपारे किछि मात्रा रे कोळैपारे देखो नवेदन निश्चित भाव में आ कि समय अपेक्षा अपराह 3:30 एसआरसी प्रदीप जेना संपूर्ण विस्तृत बरणी देवे जे कौन हम अगस्ट मस गाइडलाइन कि गाइडलाइन को लोक मानक अनुपालन करा पड़ो आउ गोटे कथ देखु जो कथा आप पचार कौन रूपरेख हो पाए कौन संभावना रही निश्चित भाव में जो चर्चा आलोचना हो सरकार सूत्र सूचना मिलू जो थे कहुचे वर्तमान जो ए कैटेगोरी जिला रही ए कैटेगोरी 20 जिला रही से 20 जिले आउ कि जिला से मिसा जाए पारे अर्थात पखापाखि 26 जिले में कटकणा को संपूर्ण कोहल करे आप देखिए 3-4 जिला कटक खोर्धा जगत सिंहपुर पुरी यह कि 3-4 जिला जो कटकणा को पूर्व भली बलबत्त रखा जाए पारे किंतु ये जो रेस्ट्रिक्शन अच्छी 5 पर्यंत कोहल कराई पर रेस्ट्रिक्शन रखाई 7 पर्यंत कि 9 पर्यंत खोल जाए पारे और जो रही नाइट कर्फ्यूर समय ताकूं परिवर्तन करा जाए पारे नाइट कर्फ्यूर समय 9 रु सका 6 पर्यंत करा जाए पारे और वीकेंड शटडाउन को संपूर्ण उठा जाए पारे केवल कटक भुवनेश्वर पुरी जगतसिंहपुर ये छाड़ देले बाकी सब जगह वीकेंड शटडाउन को उठाई दीजिए सहित सपिंग मल हो कि अन्य जो तमाम कटक रही है रेस्ट्रिक्शन सब उठाई दे पारे कि कटक रोक मैंने जो आसपे जिन किता रखे कि समस्त नजर रही मुख्य शासन सचिव केत प्रेसमिट करेंगे और कौन कटक आस धन्यवाद दिव्यज्योति महांत भुवनेश्वर रिपोर्ट बाबद सविशेष आलोचना करते तेज आईपीएस प्रोबेशनर मानक प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते सीधा सकता नहीं चलु आजकल काफी सब बहुत उसका महत्वपूर्ण है सर। इस कोरोना काल में वैक्सीन की इतनी चर्चा हो रही है तो आपका ये बैकग्राउंड होने के कारण उसमें भी रुचि लेकर के पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि छोड़ दिया? सर अभी तो सर ध्यान ट्रेनिंग पे है सर। अच्छा अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या हॉबी है? सर इसके अलावा सर मुझे खेलना बहुत पसंद है सर, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ सर। म्यूजिक? जी सर। तो कहाँ बायोटेक्नोलॉजी, कहाँ म्यूजिक और कहाँ ये पुलिसिंग? सर हमारी हॉबीज ये पुलिसिंग जैसे जो टफ और डिमांडिंग काम में एक प्रकार से बहुत मदद भी कर सकती है और संगीत है तो और ज्यादा मदद कर सकता है। जी सर। देखिए अनुज, मैं आपको आपके आने वाले जीवन और कैरियर के लिए बधाई देता हूं। आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आप केरल कैडर में काम करेंगे। आपने आईआईटी से शिक्षा की और सिविल सर्विस में ह्यूमैनिटीज को चुना। आप ऐसी सेवा में हैं जो कठोर मानी जाती है और आपको संगीत से भी प्रेम है। पहली नज़र में ये विरोधाभास लग सकते हैं लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी ताकत भी बन सकते हैं। अपनी इस ताकत को आप पुलिस सेवा में बेहतर लीडरशिप देने के लिए काम में लाएंगे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय हिंद।
धन्यवाद श्रीमान। अब मैं अनुरोध करूंगी अपने साथी प्रशिक्षु अधिकारी श्री रोहन जगदीश से कि वो अपना परिचय दे और अपना आपके साथ वार्तालाप शुरू करें। जय श्रीमान, मेरा नाम रोहन जगदीश है। मैं भारतीय पुलिस सेवा 2019 बैच का प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। मुझे कर्नाटक कैडर आवंटित हुआ है। मैं बैंगलोर का मूल निवासी हूँ और मैं बैंगलोर विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ डिग्री का स्नातक हूँ। मेरा पहला प्रथम पसंद भारतीय पुलिस सेवा था। इसके मुख्य कारण मेरा पिताजी थे। उन्होंने कर्नाटक राज्य के पुलिस में 37 साल का सेवा किया है। ये मेरे बहुत गर्व के बात है। तो मैंने भी उनके तरह भारतीय पुलिस सेवा में मेरा सेवा करने के लिए मैं इस सेवा का चुना हूँ। जय श्रीमान। रोहन जी, आप बंगलुरु के हैं, हिंदी भी काफ़ी सीख ली हैं और एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं। आपने पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अध्ययन किया है। इस ज्ञान का आप आज की पुलिस व्यवस्था में क्या रोल देखते हैं? श्रीमान, मैं जब ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है, तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आभारी हूँ। और मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस सीखते वक्त मैं दुनिया अभी बहुत छोटे लग रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, तो इसलिए हम हर तरह पुलिस एजेंसीज और दूसरे राज्यों के साथ भी इंटरपोल के द्वारा काम करने का मौका मिलेगा। तो हमारा क्राइम डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन अभी साइबर क्राइम्स के द्वारा क्राइम्स सिर्फ इंडिया का इंडिया को ही लोकलाइज नहीं है बट इंटरनेशनल भी है। तो इस नॉलेज से रिलेशंस रखना और अन्य क्राइम्स को सॉल्व करना, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नक्सलिज्म और ड्रग्स का मामले में सॉल्व करना उपयोग होता है। श्रीमान, हम अक्सर पुलिस एकेडमी में मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में सुना करते हैं। आपको जो ट्रेनिंग मिली, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने अपने पिताजी को देखा है, जिंदगी पूरी आपकी ये पुलिस बेड़े के बीच में ही बीती है, लेकिन आप स्वयं खुद इस ट्रेनिंग में आए, तो आपको क्या फील हो रहा है? मन में एक संतोष हो रहा है आपके पिताजी ने जो आपसे अपेक्षाएं की होगी उसको पूरा करने के लिए क्षमताएं आपकी दिखती होगी, और आप पिताजी कंपेरिजन करते होंगे कि उनके ज़माने में ट्रेनिंग कैसी होती थी, आपके ज़माने में कैसी होती है, तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भिड़ंत भी होती होगी। सर, मेरे पिताजी मेरा रोल मॉडल भी है और उन्होंने कर्नाटक पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किए थे और 37 साल के बाद वो एसपी के रैंक में रिटायर भी हो चुका है सर। तो जब मैं एकेडमी पहुंचा था उन्होंने बोला था कि पुलिस ट्रेनिंग बहुत कठिन होता है और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आते ही अंदर एक माइकल एंजेलो का एक वाक्य लिखा है सर, उसमें बोला है हम सबके अंदर एक स्टैचू ऑलरेडी है, एक शिल्प है, मैं हम अकेडमी के द्वार उस शिल्प को एक स्टोन से निकालना पड़ता है। ऐसे ही हमारा निर्देशक सर और हमारा सब फैकल्टी हमको ट्रेन करके हमारा बेहतरीन शिल्प बनाया है, तो हम इस शिल्प लेके हमारा देश को सेवा करेंगे सर। अच्छा, इस ट्रेनिंग को और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, कोई सुझाव है मन में? सर, अभी ऑलरेडी बहुत बेहतर है। मैं पहले सुना है कि बहुत कठिन था। अब हमारा नया निर्देशक आने के बाद और सब चेंजेस हो चुका है और हमारे सोच रखकर ही ट्रेनिंग कर रहा है और हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इस ट्रेनिंग से। रोहन जी, मुझे बताया गया है कि आप अच्छे स्विमर हैं और आपने एकेडमी के पुराने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। जाहिर है आप आजकल ये ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को भी बराबर फॉलो कर रहे होंगे। आने वाले समय में पुलिस सेवा से बेहतर एथलीट्स निकालने के लिए भी या फिर पुलिस के फिटनेस बल को सुधारने के लिए आपके मन में कोई विचार आता है कि आज आप देखते होंगे कि इसके बाद पुलिस का जरा बैठना, उठना, चलना सब जरा कुछ अलग ही नजर आता है, आपको क्या लगता है? सर, एकेडमी में हमको फिटनेस का एक बहुत ध्यान दे ही जाता है सर, तो
तो इसलिए मेरा सोच है कि हम यहाँ समय बिताने के बाद एक फिटनेस का एक सिर्फ ट्रेनिंग में ही नहीं सर, बट हमारा जिंदगी में एक पार्ट हो जाता है सर। अभी भी मेरे को शायद क्लास नहीं है तो मॉर्निंग पीटी नहीं है तो भी मेरे को 5 बजे मैं उठ जाता हूँ सर, क्योंकि वो रूटीन रह चुका है। तो ये हमारा पूरी जिंदगी में हम लेके जाएंगे। और जब हम जिला पहुंचेंगे, हमारा साथी अधिकारी और हमारा साथ काम करने वाला पुलिस अधिकारी को भी इस बारे में बोल के उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्थ के मैनेजमेंट और उनके तबियत को कैसा ठीक रखने का इनका जानकारी भी दे के हम सिर्फ आपके फिटनेस ही नहीं बट सबको फिटनेस करके पूरा इंडिया को फिट रखने का कोशिश करना है। चलिए रोहन जी, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म हमारे पुलिस की एक बहुत बड़ी जरूरत है और मुझे लगता है कि आप जैसे उत्साही युवा इन रिफॉर्म्स को और आसानी से पुलिस सिस्टम में लागू कर सकते हैं। पुलिस अपनी फोर्स में फिटनेस को प्रमोट करेगी तो समाज में भी युवा फिट रहने के लिए प्रेरित होंगे। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जय श्रीमान। धन्यवाद श्रीमान। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूं श्री गौरव राम प्रवेश राय को कि वह आपके समक्ष अपना परिचय रखें और संवाद करें। जय हिंद सर, मेरा नाम गौरव राय है। मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले का निवासी हूँ और मुझे छत्तीसगढ़ कार्डर आवंटित हुआ है। मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की है और इंडियन पुलिस सर्विस से पूर्व मैं इंडियन रेलवेज में कार्यरत था। गौरव जी, मुझे बताया गया कि आप तो शतरंज के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं बोलते हैं शतरंज। जी सर। अच्छा, शाह और मात के इस खेल में ये भी तय है कि आपको जीतना ही जीतना है। वैसे आपने सोचा कभी कि अपराधियों को काबू करने में आपका शतरंज का ज्ञान क्या काम आ सकता है? यस सर, मैं क्योंकि शतरंज खेलता हूं तो मैं हमेशा इसी तरीके से सोचता हूं। मुझे जैसे छत्तीसगढ़ कार्डर अलॉट हुआ है और वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऊपर में है माओवाद, तो उसमें सर मुझे हमेशा यही लगता है कि शतरंज में दो चीज होती है, एक स्ट्रेटेजी और एक टैक्टिक्स। तो हमेशा अपनी फोर्स में और पॉलिसीज में ऐसी स्ट्रेटेजी हो जो उनको टैकल कर सकें और ऑपरेशंस के थ्रू हम ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करें जो कि हमें ट्रेनिंग एकेडमी में भी सिखाया गया है। इस तरीके से ऑपरेशंस करें कि हमारी कम से कम लॉसेस हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों पर अटैक करके इनको रोक सकें। गौरव जी, आपने बताया कि आपका कैडर छत्तीसगढ़ अलॉट हुआ है और वहाँ की स्थिति के विषय में आपने उल्लेख किया, वहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की स्थिति भी है और आप उससे परिचित भी हैं। ऐसे में आपकी भूमिका और भी अहम है। आपको कानून व्यवस्था के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में विकास और सोशल कनेक्ट को भी सपोर्ट करना है। आपने इसके लिए जब अमरावती में थे तो आपको उसका कोई अनुभव है क्या, कुछ स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में? क्योंकि ये एक क्षेत्र ऐसा है जहां इन चीजों की भी बहुत जरूरत पड़ती है। यस सर, भारतीय सरकार की जो दो तरफा रणनीति विकास की और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि सर मैं कॉलेज में था तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं नक्सलवाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने के लिए विकास ही एक रास्ता है। और विकास के लिए सबसे पहले अगर हम सोचें तो हमारे दिमाग में रोड, रेलवेज, घर, बेसिक सिविल फैसिलिटीज आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं अपने इस नॉलेज का अच्छे से उपयोग कर पाऊंगा छत्तीसगढ़ में। आप गढ़चिरौली विषय में भी काफी कुछ स्टडी करते होंगे, महाराष्ट्र के हैं तो। ये सर, उसके बारे में भी मालूम है, पढ़ा है। गौरव जी, आप जैसे युवा अफसरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साइबर फ्रॉड्स हो या फिर हिंसा के रास्ते पर गए युवाओं को मुख्य धारा में लाना हो, बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माओवादी हिंसा को हम सीमित कर रहे हैं। आज जनजातीय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लीडरशिप
इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद। श्रीमान आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री रंजीता शर्मा को कि वह आपके समक्ष अपना परिचय रखें और अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद सर। मेरा नाम रंजीता है, मैं हरियाणा से हूं और मुझे राजस्थान का ऑर्डर एलोकेट हुआ है। सर मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान शुरुआत में ही एक अति विषम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जिले में सामना करना पड़ा। सर इस दौरान मुझे संयम के, स्पेशली पुलिस फोर्सेस में संयम के महत्व का ज्ञान हुआ। सर क्योंकि लगभग सभी तरह के आंतरिक सुरक्षा के मामले हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वहाँ पर हम अपने ही देश के नागरिकों का सामना कर रहे होते हैं और इस परिस्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है, अति आवश्यक है कि हम संयम बरतें। और जैसा कि सर हमारी अकादमी में भी काफ़ी जगह हम ये पढ़ते हैं कि सरदार पटेल जिन्हें आईपीएस प्रोबेशनर्स और आईपीएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कोई जिस क्षण एक पुलिस अधिकारी अपना संयम खो देता है उसी क्षण वो एक पुलिस अधिकारी नहीं रहता। तो सर और इस ट्रेनिंग के दौरान सर चाहे वो अकादमी में हो या चाहे वो ज़िले की जो व्यवहारिक प्रशिक्षण था उसके दौरान हो, ये लगातार एहसास होता रहा कि जो पुलिस के आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जैसे कि धैर्य हो, संयम हो या साहस हो, उसका सर मुझे लगातार आभास होता रहा। रंजीता जी, आपने ट्रेनिंग के दौरान जो भी उपलब्धि हासिल की है उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अभी अतुल जी आपका वर्णन भी कर रहे थे, आपके बारे पढ़ और सुन रहा था तो लगा कि आपने हर जगह अपना सिक्का जमाया है। आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसे आपके घर, गांव, अड़ोस पड़ोस में अब बेटियों को लेकर बदलाव दिखता है या नहीं, क्या अनुभव आता है? सर्वप्रथम धन्यवाद सर। सर आसपास जो परिवार है, परिवारगण है, मित्रगण है, समाज है, सर हमारे जैसे ही सिलेक्शन के बाद में पता चला कि सिलेक्शन हुआ है तो विभिन्न वर्गों से सर कॉल्स आए कि आप आइए और हमारे हमारे यहाँ बच्चों से बातचीत कीजिए। और उसमें विशेषतः सर जो गर्ल चाइल्ड था सर उस पर फोकस रहा कि आप उनसे बात कीजिए क्योंकि आप एक मोटिवेशन, एक रोल मॉडल की तरह एक्ट कर सकते हैं। सर यही अनुभव मेरा ज़िले में भी रहा, वहाँ पर भी काफ़ी बार ऐसा अवसर आया जहाँ पर मुझे बुलाया गया कि मैं विशेषतः महिला स्टूडेंट से बात करके उनको मोटिवेट करूँ, उनको इंस्पायर करूँ। और कहीं ना कहीं सर ये जो वर्दी है इसमें एक आइडेंटिटी, एक पहचान तो मिलती है और एक जिम्मेदारी और एक चुनौती का भी एहसास होता है। और अगर एक महिला को वो वर्दी में देखते हैं और इससे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है सर, ये मेरे लिए असली उपलब्धि रहेगी। रंजीता जी, आपकी योग में भी बहुत रुचि है, आपने जो पढ़ाई की उसे लगता है कि आप पत्रकारिता का क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी, तो फिर इस रास्ते में आप कैसे पहुंच गई? सर यहाँ पर भी एक कहानी है। सर मुझे लगता है कि मैंने निजी क्षेत्र में काम किया है इससे पहले लगभग 8-9 साल, परंतु सर मैं कुछ ऐसा एक काम करना चाहती थी जिसका असर मुझे तुरंत और तुरंत देखने को मिल सके और समाज के करीब से मैं उस समाज के लिए काम कर सकूं। सर क्योंकि निजी क्षेत्र में आपका दायरा बहुत सीमित रहता है तो वहाँ पर उसका वो व्यापक तरीके से आप अपनी छाप नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा हो सर, ये आपको ये मौका देती है। और जहाँ तक वर्दी का सवाल है सर, सो इसमें तो मुझे ये बेहद ही जिम्मेदारी और सम्मान की बात है कि मुझे भारतीय पुलिस सेवा का हिस्सा होने का अवसर मिला है। अच्छा रंजीता जी, आपने अपने लिए कोई ऐसा लक्ष्य तय किया है जो आप देश की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूर अमल में लाना चाहेगी? सर पुलिस को मुझे याद है सर, पिछली दफ़ा जब आपका ये इंटरेक्शन हुआ था तो आपने कहा था जहाँ पुलिस की बात आती है वहाँ पर डंडा, बल, इसके प्रयोग की बात आती है। तो सर अगर मैं फील्ड में जाकर पुलिस की छवि को सुधारने, उसको बेहतर करने, उसमें किसी भी प्रकार का अगर योगदान दे पाऊँगी
पुलिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, पुलिस स्टेशन को एक्सेसिबल बनाने के लिए, ओवरऑल जो इमेज है पुलिस की, अगर उसको जरा भी इम्प्रूव करने में अगर मेरा योगदान रहा सर, वो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और मेरा लक्ष्य भी रहेगा। रंजीता जी, जो मैंने आपके विषय में जाना सुना, आपको एक मैं ऐसे ही एडवाइस देना चाहूँगा कि अपनी, और वो अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ नहीं है, आपको जहाँ भी ड्यूटी का अवसर मिले, सप्ताह में एक घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाकर के उन बच्चियों से ऐसे ही गपशप कीजिए। ये जीवन भर इस क्रम को बनाए रखिए। सप्ताह में एक घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाना, उन बच्चियों से मिलना, बातें करना, उनसे चर्चा करना, और दूसरा हो सके अगर योगा की आपकी प्रैक्टिस चल कंटिन्यू रहती है तो कहीं खुले बगीचे में बच्चियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईपीएस प्रोबेशनर्स मानंकु केमती संबोधित करथिले, जहाँ कार्यक्रम रहितला दिन 11टा रे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के आईपीएस प्रोबेशनर्स मानंकु सहित से सीधासख इंटराक्शन करिवे, तांको उत्साहित करिवे केमती सेमाने आगो को बढ़िवे एवं ए दिगरे सठिक कार्य करिवे। समय सरिछि, बुलेटिन को इटसरछि मते बिदाय दिंतु। नमस्कार।